लोगों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। आज नवरात्रि के दो दो तिथियों का संगम है और इन दोनों तिथियों के मध्य में आपका हैप्पी बर्थडे है। व्हाट अ कोइंसिडेंट। बहुत बहुत शुभकामनाएं, परमात्मा आपको हमेशा स्वस्थ रखे, यशस्वी बनाए, आपकी जिंदगी बम बम चले और आप खूब आगे बढ़े। आपके एस्ट्रो फ्रेंड का दिल से यही दुआ, दिल से यही आशीर्वाद, दिल से यही प्यार, बहुत 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 सारा प्यार आप सबको। आज के दिन आप जन्म पाए हैं तो पहले ग्रहों की स्थिति भी जान लीजिए कि आज ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य कन्या राशि में है, बृहस्पति बुध चंद्र शुक्र ये चार ग्रहों की चौकड़ी तुला राशि में है, शनिदेव धनु राशि में है, मंगल केतु मकर राशि में, राहु कर्क राशि में, चित्रा नक्षत्र का चतुर्थ चरण है। तो आज पूरे दिन से लेकर पूरे वर्ष में इसी ग्रह की महादशा में आपका वर्ष फल आरंभ हुआ है। तो अगर आपकी कुंडली का कहीं से भी कर्ता धर्ता मंगल हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए कर्क और सिंह लग्न वाले हैं, कर्क और सिंह राशि वाले हैं, तो आप इस वर्ष कुछ बहुत अच्छा पाएंगे। अगर आपकी कुंडली में मंगल अच्छी जगह सिचुएटेड होगा, अन्यथा मंगल अगर मार्केश बना पड़ा है तो मंगल की दशा आपके लिए घातक भी हो सकती है। मार्केश माने मार्केश के साथ हो, मारक स्थान पर हो, दूषित हो, पीड़ित हो, ब्ला 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 ब्ला। बताएं आपकी शिक्षा। अच्छा हाँ, आज 10 अक्टूबर को अगर आपकी मैरिज एनिवर्सरी है, अब दुखती रंग पे हाथ नहीं रखेंगे, हमें पता है कैसे कैसे झेल रहे हो। जो कपाट रिश्ता अगर मजबूरी में भी निभाना पड़ता है तो भी अच्छा होता है, निभाना चाहिए। आज आपको हम बताएंगे आपकी शिक्षा का स्तर। देखिए, शिक्षा के मामले में आप कुछ खास करने जा रहे हैं इस साल। आपकी शिक्षा बहुत लेवल पर रहेगी। अगर आप 10 अक्टूबर को पैदा हुए हैं तो हो सकता है कि जो भी एग्जाम दिए हो इस वर्ष या देंगे या जिनका रिजल्ट आएगा उसमें आप हर एक एग्जाम में पास हो सकते हैं। ऐसे प्लैनेट्स इस समय फेवरेबल से दिखाई देते हैं। दिसंबर जनवरी का महीना आपके लिए ऐतिहासिक होगा। इन विच मैनर आप मनचाही जगह एडमिशन पा जाएंगे। मार्च अप्रैल में दोस्ती और प्यार के कारण शिक्षा प्रभावित होगा, उससे सावधान रहने की आवश्यकता है। व्यापार, अगर आप 10 अक्टूबर को पैदा हुए हैं तो व्यापार की स्थिति आपकी और भी अच्छी हो सकती है, यह बात समझने में आप जनवरी तक का समय लगा देंगे। निर्णायक निर्णयों के कारण व्यापार में आपके चार चांद लगेगा, मित्रों का साथ मिलेगा, मित्र आपके व्यापार में मदद करेंगे। फरवरी मार्च के बाद कुछ उसमें नया एक्सटेंशन दे सकते हैं, उसको फैला सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप 10 अक्टूबर को पैदा हुए हैं तो प्राइवेट सेक्टर की नौकरी का हाल बता दूं। प्राइवेट सेक्टर में नवंबर में आप स्विच करने के लिए प्लान करिए, 22 नवंबर के बाद बढ़िया स्विचिंग होगी, अच्छी जगह आप नौकरी पा जाए। जनवरी के बाद रुक जाइएगा, जहां कर रहे हैं वही करते रहिएगा। और अगर कोई आपको मित्र ये सब्जबाग दिखाता है कि मैं यहां आपका
आपको जॉब दिलवा दूंगा या दिलवा दूंगी, तो आप बहुत ज्यादा ब्लाइंड फेथ ना करिएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, कहीं ऐसा ना हो कि ना यहां रहे ना वहां रहे। अगर आप 10 अक्टूबर को पैदा हुए हैं और सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो आप दिसंबर जनवरी में प्रमोशन प्राप्त करने वाले हैं। 26 जनवरी के बाद बॉस के साथ थोड़ा सा नोक झोंक की संभावना बन रही है, तो 26 जनवरी के बाद करीब फरवरी मार्च के बीच में सूर्य की 2-3 संक्रांतियों तक अपने क्रोध पर अंकुश जरूर लगाइएगा। अगर आप 10 अक्टूबर को पैदा हुए हैं तो निश्चित रूप से आप अपने मन पर नियंत्रण रखिएगा। अपने मन पर नियंत्रण रखिएगा। परिवार के साथ तालमेल आपका अच्छा रहेगा। जी हाँ, अगर आप शादीशुदा हैं तो अब हम बताते हैं कि दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। तो पत्नी के बीच बच्चों के साथ तालमेल आप बिठा ले जाएंगे, पति के साथ, बच्चों के साथ, सास ससुर के साथ आप भी तालमेल बिठा लेंगे। अगर आप 10 अक्टूबर को पैदा हुए हैं या हुई हैं तो आने वाला कल आपका बहुत अच्छा रहेगा मैरिड लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। जनवरी फरवरी में कितना भी बड़ा झगड़ा हो लेकिन आप लोग एक हो जाएंगे। किसी खास परिस्थिति से बाहर निकलने में ईश्वर आपकी बहुत मदद करेगा, मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चलेगी इस बार। अब लव लाइफ, लव लाइफ में उठा पटक बहुत ज्यादा होने वाला है और 100% गारंटी के साथ लिखवा लीजिए कि समस्या बहुत गंभीर हो सकती है, बहुत गंभीर समस्या हो सकती है। ब्रेकअप कुछ दिन तक सिंगल। 10 अक्टूबर पैदा हुए लोग, लड़का लड़की सब सावधान। बीमारियों की बात करें तो मधुमेह की बीमारी जिसको हम डायबिटीज कहते हैं ये आपको परेशान करेगी, हुई है तो बढ़ेगी, नहीं हुई है तो हो जाएगी। ब्लड से संबंधित कुछ न कुछ इन्फेक्शन वगैरह ब्लड में भी परेशान कर सकता है। और अगर आप 10 अक्टूबर को पैदा हुए हैं तो पेट की दिक्कत भी आपको बहुत परेशान करने वाली है। ओवरऑल पूरे वर्ष का हमने आपको वर्षफल बताया है, पुरानी और जो बीमारियां चली आ रही होंगी उसमें आपको आराम मिलेगा, बीमारियों से आपको मुक्ति मिलेगी। उपाय क्या करना है, अगर आप 10 अक्टूबर को पैदा हुए हैं तो 3 बच्चों की शिक्षा में मदद करें और 3 पीपल के पौधे किसी सार्वजनिक जगह पर लगा दें। मैरिज एनिवर्सरी, अगर आज आपके शादी की सालगिरह है तो 3 बच्चों को खाना खिलाना है और पति पत्नी मिलकर दवा का दान जरूर कर दें। शुक्रिया, धन्यवाद आप सबकी इस प्यार के लिए। आज नवरात्र के पावन पर्व पर आप सबके जन्मदिन और शुभ विवाहोत्सव की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। खुश रहें, प्रसन्न रहें और मुंबई की नई तारीख उद्घोषित हो गई। दिनेश बताओ गुरु जी, 29, 30, 31। अच्छा 29, 30, 31 अक्टूबर मिल सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और उसके बाद अहमदाबाद। फिलहाल हमें अनुमति दीजिएगा। नमस्कार, नमस्कार। माता पिता का दर्द, एक ऐसा दर्द जो उनके बच्चे के अविवाहित होने पर या शादी योग्य होने पर भी शादी ना होने पर होता है, इस दर्द को आपका एस्ट्रो फ्रेंड दिल से महसूस करता है। तभी तो आप सबके लिए एक ऐसा मुहूर्त चुन करके लाया है जब आपके जीवन में प्रारब्ध के आधार पर प्राप्त अविवाहित योग को भी भंग किया जा सकता है। जानते हैं क्या है मुहूर्त? 19 नवंबर 2018 दिन सोमवार, तुलसी विवाह का दिन। आप सबका स्वागत करते हैं ऐसे सभी लोग, लड़के और लड़कियां जो विवाह के योग्य हो चुके हैं, सक्षम हैं और फिर भी शादी नहीं हो रही है। देर ना करिएगा, तुरंत कॉल करिए जो नंबर्स आपके सामने चल रहे हैं और अपना अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। धन्यवाद। जय श्री राधे। एस्ट्रो फ्रेंड संतोष संतोषी जी के द्वारा
जन कल्याण और प्राणियों के खुशहाल जीवन के लिए एक महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस महायज्ञ में हर एक हवन कुंड पर एक ब्राह्मण द्वारा आपकी कुंडली के ग्रहों के अनुसार मंत्र जाप और आहुति की व्यवस्था होगी। हमारा उद्देश्य जन कल्याण के साथ साथ राष्ट्र निर्माण और कल्याण भी है, जिसके लिए अलग से कुंड और ब्राह्मण निर्धारित किए जाएंगे जो संतोषी जी के मार्गदर्शन में मंत्र जाप करेंगे। इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए आप हमारे दिए गए नंबर्स पर कॉल और व्हाट्सएप के द्वारा पूरी जानकारी ले सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 9560447000, 9910291850, 9999024099। दिल्ली और NCR में रहने वालों के लिए खुशखबरी, आप अपना रजिस्ट्रेशन हमारे कार्यालय पर आकर भी करा सकते हैं। हमारा पता है B35 GM1, शालीमार गार्डन एक्सटेंशन 2, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। यज्ञ के लिए रजिस्ट्रेशन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा। के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाइए और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना ना भूलिए।